तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमियो के इस SG 2000 Pro वायरलेस गेम पैड को, जो कि स्पेशली मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आप इसे अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी या फिर अपने किसी भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है और इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और इसकी बैटरी की भी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसके अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये कंट्रोलर आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में और यहाँ सामने की तरफ इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि ये एंड्रॉयड फ़ोन्स और iOS फ़ोन के साथ में भी कंपैटिबल है। अब बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी MRP को भी मेंशन किया गया है। तो MRP तो है इसकी 2799, पर आप इस गेम पैड को Amazon से 2500 की प्राइस में परचेज़ कर सकते हो। और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारी ये वायरलेस कंट्रोलर, जो कि आता है कुछ इस तरह के काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन में। अभी के लिए रखते हैं हम इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। फिर आता है एक मोबाइल होल्डर, उसके बाद हमें देखने को मिलती है इस गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB केबल, और बॉक्स में आखिर में हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस गेम पैड को कनेक्ट और ऑपरेट करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें यही सब कुछ कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने वायरलेस गेम पैड की तरफ, और पहले अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसके डिज़ाइन और क्वालिटी की। तो हमारे ये SG 2000 Pro कंट्रोलर आता है फुल ब्लैक कलर में, काफ़ी ज़्यादा ये लाइट वेट है और डिज़ाइन को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सामने आपको सैमियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी और कुछ इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हो। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको चार LED लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इस गेम पैड के कनेक्टिविटी स्टेटस के बारे में हमें बताती हैं। उसके अलावा D-pad इसका बैकलाइट है, और साथ ही साथ इन चार एक्शन कीज पर भी हमें बैकलाइट मिलती है, जिसे यार डेफिनेटली इस कंट्रोलर पर एक प्रोफेशनल टाइप की फील मिलती है। हालांकि गेम पैड में हमें साइड्स में कोई भी रबराइज ग्रिप्स तो नहीं दी गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिज़ाइन इसका काफ़ी बढ़िया है और साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है, तो ऐसे में आपको इसे होल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब गेम पैड में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है, और उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है एक मोबाइल होल्डर स्लॉट। गेम पैड के साथ में आए हुए मोबाइल होल्डर को आप यहां पर अटैच कर सकते हो, और साथ ही में है इस कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB स्लॉट, और इसकी बैटरी की हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। अब इस पर मिलने वाली कीज़ और इसके जॉयस्टिक की तो हम बात करें तो सभी की सभी कीज़ यहां पर प्लास्टिक में है, और क्वालिटी यार इनकी काफ़ी अच्छी है। D-pad और एक्शन की हमें बैकलाइट मिलते हैं, और जॉयस्टिक पर हमें रबराइज स्ट्रक्चर मिलता है, और साथ ही में है कुछ इस तरह के बढ़िया क्वालिटी के ट्रिगर्स। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ये सपोर्ट करता है, मतलब किसे अपने डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से USB वायरलेस रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके डिवाइसेस के साथ में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। और इसे आप अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, अपने किसी भी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, iPhones या फिर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा HID मोड या फिर इंस्टेंट प्ले मोड में आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट प्ले मोड में काफ़ी सारी पॉपुलर मोबाइल गेम्स जैसे कि PUBG, फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी पॉपुलर गेम्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले कर सकते हो। होम प्लस ए पर आपको PUBG की प्रीसेट की मिल जाएंगी, उसी तरह से होम प्लस बी पर मोबाइल लेजेंड्स, होम प्लस एक्स पर कॉल ऑफ ड्यूटी, और होम प्लस वाई पर आपको फीफा मोबाइल की प्रीसेट की मिल जाएंगी। उसके अलावा आप कीलिंग कर ऐप से इसकी प्रीसेट कीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। उसके अलावा इसके एक्स मोड में आप और भी कई सारी पॉपुलर गेम्स को प्ले कर सकते हो, जिन्हें की कीज़ कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि एसफोल्ट गेम या फिर रियल रेसिंग 3 जैसे गेम्स। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट करने के लिए हमें गेम पैड को डायरेक्ट मोड पर लेकर आना है। उसे करने के लिए आपको ये होम प्लस ए की को प्रेस करना है, और उसके बाद आपको जाना है अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर ये गेम पैड नाम दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस नाम को सेलेक्ट करना है, और अब हमारा कंट्रोलर हमारे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो लाइट जो है यहाँ पर स्टेबल हो चुकी है, और हमारा कंट्रोलर अब हमारे फ़ोन के साथ में डी मोड पर कनेक्टेड है। PUBG और फ्री फायर गेम की प्रीसेट की आपको ऑलरेडी कंट्रोलर पर मिल जाएगी,
लेकिन आप इन कीज को कीलिंक कर ऐप से अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा एक्स मोड पर इस कंट्रोलर को कनेक्ट करके आप कुछ इस तरह की गेम को भी प्ले कर सकते हो जिन्हें किसी भी तरह की कील कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली एक्स मोड पर कंट्रोलर को कनेक्ट करके इन गेम को प्ले कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में इसे कनेक्ट करने के लिए आपको गेम पैड को एक्स मोड पर कनेक्ट करना है, जिसे करने के लिए आपको होम की और एक्स की को एक साथ में प्रेस करना है। हमारा गेम पैड अब पेयरिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद हमें जाना है हमने टीवी की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ पर हमें ये गेम पैड नाम शो हो रहा होगा। हमें सिंपली इस नाम पर टैप करना है और हमारा जो गेम पैड है वो हमारे स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा हमारे स्मार्ट टीवी के साथ में कनेक्टेड है और मैं जल्दी से आपको यहाँ से गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन की ही तरह हमारा ये गेम पैड हमारे स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस के साथ में भी बिल्कुल बढ़िया से परफॉर्म करता है। सभी की काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और इसकी काफ़ी बढ़िया है। और सबसे खास बात इस कंट्रोलर की ये है, इसे अपने डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको यूएसबी वायरलेस रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और इसकी वायरलेस रेंज की। तो हमारे ये गेम पैड आता है 600 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में और आपको 14 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। उसके अलावा 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम हमें इस गेम पैड पर मिलता है। अब इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो ये गेम पैड पर आपको 8 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है और हमारी टेस्टिंग में इस गेम पैड ने 5 से 6 मीटर के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और 6 मीटर की दूरी के बाद आपको गेम पैड की कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा आप इस गेम पैड को अपने पीसी के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये गेम पैड किसी यूएसबी वायरलेस रिसीवर के साथ में नहीं आता और साथ ही में इस पर हमें वाइब्रेशन फीडबैक भी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या इस 2500 रुपये की प्राइस रेंज में हमें इस ब्लूटूथ गेमिंग कंट्रोलर की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो मार्केट में इस प्राइस रेंज से नीचे हमें और भी ब्लूटूथ कंट्रोलर मिल जाते हैं जैसे कि लाइटेक का यूमैन और क्लोशोट का ब्लूटूथ कंट्रोलर, लेकिन इस 2500 रुपये की प्राइस में एक तो इस गेम पैड में हमें एक्स्ट्रा बैकलीट कीज मिल जाती हैं और दूसरा डिज़ाइन भी इस गेम पैड का उन दोनों गेम पैड से काफ़ी प्रीमियम है। और मेरे हिसाब से यही तो आप एक ड्यूरेबल और प्रीमियम लुकिंग ब्लूटूथ कंट्रोलर को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली सैमसंग एसजी 2000 प्रो की तरफ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।